अब इसमें हम डालेंगे मिट्टी। और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटिल टेरेस गार्डन में। और मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि हमारे पास जब बड़े पॉट हों तो उस बड़े पॉटों को टेरेस गार्डनिंग करते समय थोड़ा सा वेट का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने इस तरीके से पहले इसमें नारियल के छिलके भरे हैं और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा रिवर सेंट है जो हमारे यहाँ कंट्रैक्शंस का काम हो रहा था, वो सारी डस्ट मैंने इकट्ठी कर ली थी और अपने प्लांट्स में मिट्टी और गोबर की खाद मिला करके इस तरीके से फिल कर रही हूँ मैं, जिससे कि दो फायदे होने वाले हैं। फ़ायदा एक, हमारे प्लांट्स बड़े अच्छे चलते हैं इस तरीके की खाद में और मिट्टी में। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे जो पॉट हैं वो बड़े लाइट वेट रहने वाले हैं, हम उसको उठा के मूव ऑन कर सकते हैं आसानी से। और दूसरा, हमारे टेरेस पे जो वेट है वो भी ज़्यादा नहीं होने वाला है। ये लीजिए, मैंने इसमें खाद भी डाल दी है। तो ये मैंने बरसात में एक प्लांट्स लगाया था लाके और ये प्लांट्स मेरा अच्छा खासा चल रहा है। ये लीजिए, मेरा एक पॉट और रेडी हो गया जिसका नाम है गुड़हल। गुड़हल के प्लांट्स में मैंने कलियां आ रही है अच्छी खासी। ये लीजिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। जब भी हम किसी प्लांट्स को लगाते हैं तो उसमें पानी जरूर दें। सो गाइज, मैंने अपना हिबिस्कस इस तरीके से लगा दिया है। अभी थोड़ा उखाड़ा था तो इसकी पत्तियां देख रहे हैं लैगी टाइप की हो गई हैं, बट इसमें लगने के बाद अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। तो गाइज़, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक आप इन्जॉय करें मेरे इस वीडियो को। बाय फ्रेंड्स।